तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी मथुरा के तत्वाधान में राष्ट्रीय भाषा पर्व का आयोजन हिंदी सप्ताह के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर माधवपुरी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार रामनिवास शर्मा अधीर ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज रत्न राधा गोविंद पाठक थे। इस अवसर पर स्वर्गीय चंद्रपाल शर्मा रसिक हाथरसी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी पुस्तक भरा की लाज रखने को लोकार्पण किया गया। वहीं बाल कवि अनुज अनुभव की पुस्तक ऊंच नीच का फापड़ा का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर श्रीमती लता, श्री डॉक्टर नटवर नागर, डॉक्टर सोमकांत त्रिपाठी, सुभाष गुप्त तथा श्री सनत कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। आज आपके द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आज तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी के तत्वाधान में राष्ट्रभाषा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन कौन भाग ले रहे हैं इनमें? राष्ट्रभाषा पर्व के इस आयोजन में हमारे यहाँ आज उपस्थित हो रहे हैं ब्रज की जानी मानी विभूति हैं, गीतकार हैं और एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं परमादरणीय श्री राधा गोविंद जी पाठक, परमादरणीय डॉक्टर रामनिवास शर्मा अधीर जी, लखनऊ से पधारी हैं परमादरणीय श्रीमती मंगेश लता श्रीवास्तव लताश्री जी, और हिंदी काव्य धारा में विधाओं की वर्गीकरण को जिसने विशेष महत्व देकर सभी छंदों को सूचीबद्ध किया है, जिन्होंने छंदों को खोजा है, जिन्होंने छंदों के ऊपर विशेष कार्य किया है, परमादरणीय श्री सुभाष जी गुप्त भी आज यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। इनका उद्देश्य क्या है मुख्य आपका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाना है और ये बताना है कि हिंदी ही हमारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है, हिंदी ही हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक पहचान दे सकती है और हिंदी के द्वारा ही हमारे देश को अपना स्वाभिमान संरक्षण का अवसर प्राप्त हो सकता है। आजकल देखा जा रहा है चलन में हिंदी कम आ रही है, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ज़्यादा हुए हैं, इसके हिंदी का चलन ज़्यादा हो इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? हाँ, इसके लिए प्रयास ये होगा कि हम जब लोगों से जुड़ेंगे, लोग जब हमसे जुड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में कुछ युवा उपस्थित हैं, कुछ छात्र यहाँ उपस्थित हैं, इन सबको जोड़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये लोग जब यहाँ जुड़ेंगे तो हिंदी बोलना शुरू करेंगे। जब हम हिंदी लिखते हैं अपना नाम, अपने हस्ताक्षर जब हम हिंदी में करते हैं, छोटे छोटे काम जब हम हिंदी में करते हैं तो हिंदी प्रचलित होती है। अभी जो बात आपने कही है कि अंग्रेजी स्कूलों के द्वारा, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनके द्वारा हिंदी की जो उपेक्षा की जा रही है, उस उपेक्षा को दूर करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम युवाओं को, छात्रों को हिंदी से जोड़ें और उसके बाद उन्हें बताएं कि हमारी अपनी पहचान हिंदी से ही होगी, हिंदी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है।